तो बात बताते हैं कि समाज में इज्जत ना कभी भी नामूम कमाने से नहीं होता, ये सब बेगारी बात है। बाप का कमाया वो पैसा को डीपीएस स्कूल का एडमिशन में उड़ा दो, पूरा समाज इज्जत कदर आई लव यू टू द मून एंड बैक बोलने लगेगा। हम भी सोचे कि चलो यार पापा को बोलते हैं, डैडी कब तक जीपीएस गरीब पब्लिक स्कूल में पढ़ूं, अब मुझे भी डीपीएस दौलत पैसा शोहरत स्कूल में पढ़ने को मांगता है, तो वक्त आ गया आप अपना ऑडी उर्फ ऑल्टो बेच दीजिए। तो आप लोग विश्वास नहीं करिएगा कि वो ब्राउन पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने ये गाड़ी मेरे नाम कर दी। जी हाँ दोस्तों, अब इसको मैं दिन भर सुई सुई करते रहती हूँ। खैर हम लोग को 1 लाख कम पड़ गया, फिर हम सोचे साला अभी ये लोन ले लेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन कैसे होगा। फिर मेरा आई एम डिप साइट करने का सपना कहीं डीप में जाके गड़ गया। उस दिन हमको पता लग गया या तो डीपीएस में बहुत तेजी बच्चा पढ़ेगा या बहुत रही से बच्चा पढ़ेगा। तो हम लोग जैसा बच्चा जो दिमाग से बड़ी तेज है, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन लोग क्या करें। हम वहां जाके पता करने का कोशिश की कि कोंची का इतना पैसा लगता है, तो वॉचमैन हमको बाहर से निकाल दिया। तो वहीं पे गेट पे बच्चा लोग को धर धर के पूछने पे पता चला कि कुछ अलग स्पेशल पढ़ाई नहीं है, वही सेम चीज है, बस जैसे हम लोग रोना को क्राइंग बोलते हैं तो उन लोग वीपिंग बोलता है, हम लोग लड़ाई झगड़ा को फाइट बोलते हैं तो उन लोग क्वेरल बोलता है। तो यही जो आप देख रहे हैं खतरनाक पर्यायवाची जो सिखाया जा रहा है, उसी का 80-90 हजार रुपया टान लेगा है, नॉट अ बिग डील गाइस। इस साला सब मिल के अफवाह फैला दिया है कि डीपीएस में पढ़ने से बच्चा तेज बनता है, टॉप करता है। वो मेरे जैसा बुद्धि होना चाहिए, औकात है तो हमको टॉप करवा के दिखाओ, नहीं हम पढ़वे नहीं करेंगे तो जबरदस्ती टॉप करवा देगा। आखिरी बार हमको याद है नर्सरी क्लास में हम टॉप किए थे, 5 बच्चा था टोटल, 5th रैंक मेरा आया था। पढ़ने वाला बच्चा सब ना ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ लेगा। अब तो हम कान धरते हैं पप्पा दोबारा डीपीएस कभी नहीं जाएंगे। पहली बार हम एंट्रेंस एग्जाम देने गए तो डर गए घुसते के साथ कि अरे साला कहाँ घुसा दिया है, स्कूल है कि महल। हम लोग का जितना बड़ा ग्राउंड है उससे बड़का तो उसका पार्किंग एरिया है। मेरा ऑल्टो के बगले में ऑडी खड़ा कर दिया, जबरदस्ती लड़ने खोजता है, एक तो सेल्फी ले लेते उसका गाड़ी के साथ, तो उसका टायर पंचर हो जा रहा था। बाहर में उन लोग का टैगलाइन लिखा था सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा। पर जब हम कैंपस में भुला गए तो मेरा कोई सेवा सत्कार नहीं हुआ, उल्टा पूछने पे बोलता है लॉबी में जाइए लॉबी में जाइए। उस साल पबजी है कि हम लॉबी में चल जाए। वेरी बैड पुअर सर्विस, 2.5 रेटिंग देंगे हम। खाली वहां का पढ़ने वाला बच्चा सबका खातिरदारी करता है, वो लोग चलना ना पड़े तो लिफ्ट लगवा दिए हैं, मौसम को मात देने के लिए एसी लगवा दिए हैं, और हम लोग का गरीब पब्लिक स्कूल में पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा उसमें लड़ाई होते रहता है। हम लोग किताब पढ़ने के लिए नहीं ले जाते हैं, हवा होकने के लिए ले जाते हैं। डीपीएस का टीचर सबको ना डांटने उठने ले आता, लगता है कोई इंग्लिश में रैप बजा के साउंड बढ़ा के भाग गया है, का ही असर करेगा वो अंग्रेजी में बड़बड़ाना। हम लोग का मास्टर सबसे सीखना चाहिए, एक बार चिल्ला के बोलता है कल बाप को बुला के लाना रे, पूरा क्लास का दिमाग सुन पड़ जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम डीपीएस के काबिल नहीं है या फिर डीपीएस में मेरा एडमिशन नहीं होगा, वो गलती है डीपीएस का है, कहे कि डीपीएस खुद में एक ब्रांड है। अब मम्मी कहती है कि तुमको जो भी ब्रांड व्रांड लेना है सब शादी के बाद ही लेना, तो हम सोचे कि शादी के बाद उनको बोलेंगे कि ए जी मेरा डीपीएस में एडमिशन करवा दीजिए ना। थोड़ा अजीब लगेगा पर चलता है। और आखिरी में हम बोलना चाहेंगे कि 99% वाला बच्चा सबको लेके टॉप करवा देना कोई तेजी का बात नहीं है, सभी भोतर बच्चा का मंडली बनवा के अपना स्कूल में एडमिशन लीजिए और उन लोग को सुधार दीजिए, ये होगा असली जीत।